गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की गाड़ी मैं आपको दिखाने जो जा रहा हूँ वो है क्रॉसओवर एसयूवी होंडा की, जिसका नाम है होंडा बीआरवी एस वेरिएंट। ये सिंपल वेरिएंट नहीं है, ये बीआरवी एस मॉडल है जो कि 2020 का है, जो लेटेस्ट मॉडल आया हुआ है। इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, तो आए मैं आपको इन फीचर्स के बारे में बताता हूँ, इसका ओवरव्यू दिखाता हूँ आपको, एक्सटीरियर भी और इंटीरियर भी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बैक साइड है बीआरवी की एस वेरिएंट की, जो नॉर्मल बीआरवी है उसके अंदर और इसके अंदर थोड़े से डिफरेंसेस हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके जो व्हील्स हैं वो अलॉय रिम व्हील्स हैं, सिंपल बीआरवी के अंदर अलॉय रिम व्हील्स नहीं आते, इसके अंदर अलॉय रिम व्हील्स आते हैं। इसके अंदर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी मौजूद है और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन भी मौजूद है। गॉड फॉरबिड अगर गाड़ी स्लिप हो जाती है, तो ये दो फीचर्स हैं जो गाड़ी को कंट्रोल में ला सकते हैं। इसके अंदर टेल लैंप्स भी मौजूद हैं और इमोबिलाइज़र भी। आप ये देख सकते हैं कि ये बैक साइड है और काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं इसमें। आप ये देख सकते हैं कि इसमें रूफ़ रेल्स हैं जो कि ज़्यादातर एसयूवीज में ही आते हैं, और ये क्रॉस ओवर एसयूवी है तो इसके अंदर भी ये फीचर्स मौजूद हैं। तो काफ़ी डिफरेंट गाड़ी है ये। तो आप ये देख सकते हैं इसके अंदर अलॉय रिम व्हील्स आते हैं और जो इसके हैंडल्स हैं वो क्रोम हैंडल्स हैं, सिंपल हैंडल्स नहीं हैं। जो क्रोम हैंडल्स हैं वो सिर्फ एस वेरिएंट के अंदर आते हैं। तो इस गाड़ी को 201 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस हासिल है, जो कि टोयोटा फॉर्चूनर, जो कि टोयोटा की एसयूवी आती है, उससे भी ज़्यादा है। तो इस गाड़ी को ऑफ रोड लेके जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। तो ये इसका इंटीरियर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटीरियर है। इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 7 एडल्ट्स की सीटिंग कैपेसिटी है। आप देख सकते हैं ये 2020 का वेरिएंट है और काफ़ी ही दिलचस्प इंटीरियर है। जो बैक साइड है इस पर 2 एडल्ट्स की सीटिंग कैपेसिटी है, और ये इसकी मिडल सीट्स हैं। तो इसके अंदर 2 एडल्ट्स की सीटिंग कैपेसिटी है, लेकिन एडजस्टमेंट भी की जा सकती है। इसके अंदर सिक्योरिटी सिस्टम भी है और एंटी थेफ्ट सिस्टम भी। हाँ, इसकी फ्रंट सीट्स देखते हैं जो मेन हाईलाइट है इस गाड़ी की, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये कुछ साइड बटन्स हैं, साइड डोर बटन्स हैं। इसके अंदर कॉन्टीन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन है, यानी कि ये ऑटोमेटिक है। ये इसका स्टेयरिंग है। इस गाड़ी के अंदर मल्टीमीडिया भी मौजूद है और स्पीकर्स भी इसके अंदर काफ़ी अच्छे हैं। मल्टीमीडिया और नेविगेशन भी है इसमें, फॉग लैंप्स भी बिल्ट इन आते हैं। इसके अंदर ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट है जो कि अपग्रेडेड सीट्स मटेरियल के साथ यूज़ हुआ है। सेंटर कंसोल विद यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स, और साथ में इसके अंदर स्मार्ट एंट्री एंड पुश स्टार्ट भी मौजूद है। इंटीरियर काफ़ी इसका अच्छा है। ऑटो एयर कंडीशनर विद रियर एसी हीटर वेंटिलेशन भी है। 42 लीटर इसकी फ्यूल कैपेसिटी है और ये 1500 सीसी गाड़ी है। तो ये थी होंडा की बीआरवी एस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।